नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले कुख्यात बदमाश विकास दुबे के भतीजे आदर्श को यूपी की एसटीएफ ले गई है। विकास दुबे का साला ज्ञानेंद्र सहडोल कस्बे में रहता है और भूसे का कारोबार करता है। विकास के साले ने खुद थाने पहुंच अपने बयान दर्ज कराए। उसका कहना है कि विकास जीजा से उसके 14 साल से कोई संबंध नहीं। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंच गया है। मंगलवार देर रात एक बार फिर से कोरोना के 44 मामले सामने आए। 1545 सैंपल में से 1493 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 3 लोगों की मौत भी हुई है। 8 केस रिपीट पॉजिटिव रहे। अब तक 9690 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें 4998 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा 252 तक पहुंच गया है। राहत भरी बात ये है कि लगातार कोरोना पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब तक 3871 मरीज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। अभी जिले में 875 एक्टिव मरीज हैं। होटल और गार्डन में क्वारंटाइन 4695 लोग भी अब घर लौट चुके हैं। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार विधायक अरविंद सिंह भदौरिया मंगलवार रात बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद लिया है, अब उपचुनाव की तैयारियों के लिए क्षेत्र में निकलूंगा। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, इन सभी का एक ही उद्देश्य रहा है, लूट करना। 15 साल के भूखे ऑल मिनिस्टर इस काम में टूट पड़े थे। अनलॉक 2 में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी सीधी सी वजह है लोगों का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना। इंदौर भोपाल के बाद मुरैना और ग्वालियर में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। यहां अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। मुरैना में संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह पिछले 15 दिन में हुए शादी समारोह बताए जा रहे हैं। फीस के मामले में प्राइवेट स्कूलों को एक बार फिर राहत मिली है, अब स्कूल प्रबंधक फीस ले सकेंगे। इंदौर हाई कोर्ट ने इस बारे में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में दिए गए स्टे निर्णय को यथावत रखा है। एसोसिएशन ऑफ एंड एट CBSI स्कूल ने सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई थी। मयाना थाने के उमरी चौकी क्षेत्र के गांव चकदेवपुर में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2 युवकों को पेड़ से बांधकर उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाई गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि म्यामा थाने और उमरी चौकी की पुलिस बेखबर थी। इस मामले में उमरी चौकी प्रभारी CP दीक्षित ने चर्चा की तो बोले कि कोई जानकारी नहीं है। मंत्रियों के विभागों का वितरण बुधवार को होने की संभावना है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 10:30 कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें बजट के साथ रेवेन्यू से जुड़े कुछ विधेयकों, खास तौर पर साहूकारी अधिनियम आदि को मंजूरी दी जाएगी। अनलॉक 2 में अब कोरोना संक्रमण इंदौर से लगे ग्रामीण इलाकों में भी फैलता जा रहा है। मंगलवार को हादोत के एक ही मोहल्ले में 27 मरीज सामने आए। एक साथ इतने मरीज मिलने के बाद SDM डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने अगले आदेश तक पूरे गांव में लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन को यहां सब्जी मंडी से संक्रमण फैलने की आशंका है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फुटपाथ पर पढ़ाई कर 10वीं की परीक्षा में 68% लाने वाली छात्रा भारती खांडेरकर को घर मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को पत्र लिखकर भारती के परिवार के लिए आवास योजना में मकान उपलब्ध कराने और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मकवानी को मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। निपनिया के कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने वाली युवती को अब केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस से संघर्ष करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियों को लेकर वो दो दिन से थाने से लेकर अफसरों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनवाई का तैयार नहीं है। युवती ने बताया कि पुलिस मंत्री सिलावट के दबाव में है। मेघा आर वॉइस।